इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए यानी कि ग्रुप्ड डेटा के लिए आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं तो इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लें क्योंकि उसको आप देख लेंगे तो ये जो है आसानी से आप समझ पाएंगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या स्टेप्स हैं कैसे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या स्टेप्स हैं स्टेप्स फॉर टिशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवेशन फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज तो जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होगा कॉन्टीन्यूस सीरीज का जहां पर क्लास इंट्रल होगा और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो पहले उसका जो है आपको एथमेटिक मीन यानी कि मेन जो है आपको फाइंड आउट करना है तो जो एथमेटिक मेन होता है कॉन्टिन्यूस uh, सीरीज के लिए उसका फॉर्म आपको पता है दैट इज समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दी गई है और जो मिड वैल्यू आप निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसका सम निकालेंगे उसको डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से तो आपको यहां पर एथमेटिक मीन मिल जाएगा उस सीरीज का कंटीन्यूअस सीरीज का ग्रुप डेटा का क्लियर उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपने मिड वैल्यू निकाली है उसी से उससे आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है यानी कि मिड वैल्यू से जो मीन आया है उसको जो है सब्ट्रैक्ट करना है तो हर क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है उससे आपको मीन को सबट्रैक्ट करना है तो आपको क्या मिल जाएगा डेविएशन कंप्यूट द डेविएशन यानी x माइनस मीन जो मिड वैल्यू है उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं तो x माइनस मीन या फिर उसको हम d से डिनोट कर सकते हैं ऑफ मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास फ्रॉम एथ

क्लियर तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको जो है टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है तो आप जो है मार्क्स को एक साइड लिख लेंगे और दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी आपने उसको नोट डाउन कर लिया क्लियर तो तो ये क्वेश्चन तो में दिया गया है आपको यहाँ पर कोई भी दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन से एज इट इज आपको टेबल फॉर्म में लिख लेना है अब आपको सबसे पहले क्या था कि ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इस मेन का फॉर्मुला है बार इज इक्वल टू डिवाइडेड डिवाइडेड यानी तो यहाँ पर सबसे पहले एन यानी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी समीशन एफ आपको निकालना है तो ये जो आपको टेबल में फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ इसको क्या करना है एड कर लेना है यानी सिक्स प्लस एट प्लस फिफ्टीन प्लस सेवन प्लस थ्री प्लस जीरो स वन तो आप जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो वैल्यूज है सभी को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा फोर्टी यानी समीशन एफ या फिर एन इज इक्वल टू फोर्टी क्लियर यहां तक क्लियर है इसके बाद फिर अब अगला काम क्या है आपको एफ एक्स चाहिए निकालेंगे मिड वैल्यू जो आपको क्लास सिंट्रोल दिया गया है उसकी जो मिड वैल्यू होती है उसी को आप एक्स से डिनोट करते हैं तो यहां पर अब अगला काम क्या है आपको मिड वैल्यू निकालना है तो पहला क्लास सिंट्रोल क्या है टेन से ट्वेंटी है तो ट्वेंटी प्लस टेन डिवाइडेड बाई टू मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं ट्वेंटी यानी कि जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू उसका एवरेज निकाल लेंगे तो आपको मिड वैल्यू निकल जाएगा तो ट्वेंटी

फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटी फाइव प्लस जीरो तो ये आ जाएगा जब आप इसको ऐड कर लेंगे सबको तो आ जाएगा समीशन एफ एक्स यानी वन 1370 1370 हंड्रेड ये जो है आपका सम आ गया एफ एक्स की वैल्यूज का क्लियर अब आपको क्या है सिंपल सा फॉर्मुले में पुट कर देना है वैल्यूज तो आप यहां पर जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपको मिल जाएगा तो थर्टीन हंड्रेड हो जाएगा यानी समीशन एफ यानी थर्टीन और एन क्या है फोर्टी है तो थर्टीन हंड्रेड इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा थर्टी ये जो हो गई ये वैल्यू हो गई मीन की थर्टी क्लियर अब आपको स्टैंडर्ड स्टैंड का फॉर्मुला याद करना है क्या है क्या क्या वैल्यू चाहिए एन आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी फोर्टी है Clear? आपके पास एक्स बार एक्स बार की वैल्यू आपने निकाल ली थर्टीन थर्टी फोर आपने मेन निकाला है थर्टी फोर पॉइंट टू फाइव और एक्स आपके सामने मिड वैल्यू ऑलरेडी है अब आपको क्या कैलकुलेट क्या करना है एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है यानी कि डेविएशन कैलकुलेट करना है कहां से मीन से यानी डी फ्रॉम मीन 34.25 यहां से आपको जो है डेविएशन कैलकुलेट करना है हर क्लास इंटरवल के लिए तो आपने वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है तो मिड वैल्यू माइनस मीन यानी कि पहले क्लास इंटरवल की वैल्यू क्या है टेन से ट्वेंटी थर्टी फोर पॉइंट करेंगे तो आएगा माइनस पॉइंट इसी तरीके से ट्वेंटी से थर्टी क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू क्या है वो ट्वेंटी फाइव है तो ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी फोर पॉइंट टू फाइव करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस नाइन पॉइंट टू फाइव यानी एक्स माइनस एक्स बार तो एक्स यहाँ पे हो गया ट्वेंटी फाइव और एक्स बार यानी मीन क्या हो गया थर्टी फोर माइनस थर्टी फोर पॉइंट 2.5 माइनस 9.25 इस तरीके से 30 से 40 का देखेंगे तो 35 माइनस 34.25 करेंगे तो 0.75 45 माइनस 34.25 करेंगे 10.75 55 माइनस 34.25 करेंगे 20.75 65 माइनस 34.25 करेंगे 30.75 और 75 माइनस 34.25 करेंगे तो 40.75 आ जाएगा तो आपने यहां पर क्या कैलकुलेट कर लिया डेविएशन यानी एक्स माइनस बार यानी कि डी की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है अब आपको चाहिए क्या

तो यहाँ पर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फिगर आ जाएगा यानी कि वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव सिक्स आ जाएगा अब आपको क्या है चाहिए समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यानी कि ये जो एफ डी स्क्वायर आया है इसको ऐड कर लेना यानी कि टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री पॉइंट ये ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा समीशन

कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवेशन तो इस तरीके से जो है आप कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए यानी कि ग्रुप डेटा के लिए भी आप जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड uh, डिशन और कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज यानी ग्रुप डेटा का सेम है बस कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको क्लास इंट्रल दिया रहता है तो उसका मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है उसके बाद जो मिड वैल्यू होती है वही एक्स होता है फिर वही सेम प्रोसेस जैसा डिस्क्रीट में था वैसा ही यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी रहता है कि आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन का मेन निकाल लेना है मेन निकालने के बाद फिर वहां पर जो है आपको डिवेशन कैलकुलेट करना है डिवेशन कैलकुलेट करना है मेन से उसके बाद फिर जो डिवेशन है स्क्वायर कर लेना है फिर उसमें जो है फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देना है फिर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करने पर जो डी स्क्वायर में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किया उसको ऐड कर लेना है ऐड करने के बाद जो टोटल फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड कर देना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है आंसर आ जाएगा स्टैंडर्डेशन का होप आपको क्लियर होगा विशूल